Watch the exclusive interview of Karishma Tanna, aka Gauri, and Vivek Dhaiya, aka Raj, from the sets of the serial Kayamat Ki Raat. In the interview, both the actors talked about the new birth of Gauri in the serial. As with the help of magical stone or jadui patthar, Gauri regained her life even after the death also. Take a look at what the actors shared with the media. इतने खुश बहुत ज्यादा रोमांस तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है और मेरे अंदर कूट कूट के तो हमारा प्लानिंग चल रहा है कि कालासुर को कैसे नष्ट किया जाए उसका विनाश कैसे किया जाए और उसी के लिए हम थोड़े से वी आर ऑल्सो कंसर्न फॉर वन अनदर कि तुम्हें कुछ हो जाए वो बोल रही तुम्हें कुछ हो जाए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ हो जाए बेसिकली यस दिस सीन इज वेरी इमोशनल इट्स एन इमोशनल सीन बिकॉज वी डोंट नो कि अब ये अभी काफ़ी ज़्यादा वो उस पर आ चुका है पेडेस्टल मतलब ऐसा हो गया है क्या बोलते हैं उसको क्रिसेंडो पे आ गया है करेक्ट क्रिसेंडो पे आ गया है और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ या तो हम दोनों रहेंगे या वो रहेगा या हम दोनों में से एक रहेगा कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन प्रोमो में तो हमने देख लिया है कि उन्होंने करिश्मा को गौरी को चाकू मार दिया तो क्या मतलब क्या कोई हिंट में ये कोई इशारा है या क्या है कुछ थोड़ा सा ये पुनर्जन्म हुआ ना तुम्हारा अभी जो सामने खड़ी है ये गौरी नहीं है ये गौरी की जुड़वा बहन है जिसके साथ मैंने सेटिंग कर रहा हूं आप लोग जी तो मैं अभी इतनी तो टीवी में लिबर्टी होती है कि यू नो हम मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ और कैसे भी करके हमने जिंदा नहीं एक्चुअली लिबर्टी नहीं है इसका बहुत लॉजिकल हमने रीजन दिया है जादुई पत्थर जो उमा है वो मुझे फिर से जिंदा कर देती क्योंकि उनके पास पावर्स हैं जादुई पत्थर है उनके पास तो अब हमने ये लॉजिकल थिंग टू डू तो अब हमने ये वर्ड हमने अभी ये तय किया है कि राज और गौरी कैसे साथ में मिलकर यूनिटी से कालासुर का विनाश करने जाएंगे तो हमने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है वो क्या प्लान है वो हमें भी नहीं पता है पर हम ये प्लान करके तो उसके प्रीलूड सीन था हमारा कि हम एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे रहे इमोशनल स्ट्रेंथ दे रहे ताकि यू नो जो भी अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे जिएंगे तो साथ में जिएंगे सो दैट वाज अ वेरी इमोशनल सीन अच्छा तो राज कहीं ना कहीं अब गौरी को मना कर रहे कि नहीं तुम नहीं जाओगी अब डर रहे हो तो हाँ मुझे डर लग रहा है कि ये कहीं चली जाए इसके साथ कुछ हो जाए तो खुशी होगा ना तो मतलब मुझे तो और बीवी ढूंढनी पड़ेगी मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तो अब रामनामगढ़ में वैसे भी ऑप्शंस कम है तो उसके लिए फिर मुझे वापस बॉम्बे जाना पड़ेगा तो मैं वो सोच रहा हूँ कि यार आजकल अभी सीजन पीक चल रहा है यू नो ट्रेन और एयरलाइन बहुत महंगी है तो अभी क्या करने का मत जाओ मैं चला जाता हूँ स्पाती रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट 9 वर्ल्ड